राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो। श्री वृंदावन वास, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरू जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन वंदना, यशोदानंदन ब्रज जन वंदना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन जानी, जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारे, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद गोपाल नंद लाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद गोपाल नंद लाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद लाल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा गाइए प्रेम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महाधन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटारी यटा जग की हमको कुटिया रिज माही बनानी हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी टूक मिले रसिकों की सदा और पी बन को यमुना जल पानी टूक मिले रसिकों की सदा और पी बन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपने ठकुराने श्री राधिका रानी अपने ठकुराने श्री राधिका रानी अपने ठकुराने श्री राधिका रानी हूँ राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय श्री कृष्ण बलराम हम गौरवनिताय जय गौरवनिताय जय गौरवनिताय जय श्री गौरवनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपद शिल प्रभुपद जय प्रभुपद शिल प्रभुपद प्रभुपद
जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंद आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तदधाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेर्णया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महा श्रीचैतन्य महाप्रभो मत्मिदं तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्य महाप्रभो मत्मिदं तत्रादरो नः पर वंशी विमो शितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिम बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वा च मीमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलश तिदर स्वदाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तु करारविंदे नपदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र शपुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द
नहरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबचवा मृत मेत देवा गोविंद दामो दर माधवेति जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्रील प्रभुपाद की। आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत जो समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का सार है, श्रीमद् भागवत श्री वेदव्यास मुनि के जीवन की अंतिम रचना है। वैसे वेदव्यास मुनि ने अनेकों पुराण लिखे, अनेकों उपनिषद लिखे, वेदों का संकलन किया, परंतु उनका मन नहीं भरा, ऐसा वर्णन है। कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए बहुत बहुत लिखने के बाद भी श्री वेदव्यास जी का मन असंतुष्ट था, उनका मन बड़ा खिन्न था, उन्हें कुछ कमी महसूस हो रही थी, परंतु वे स्वयं नहीं जान पाए कि मेरी इस रचनाओं में क्या कमी है। चार वेद, 108 उपनिषद, 18-17 पुराण और महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ को लिख चुके थे, परंतु फिर भी उनका मन असंतुष्ट था। एक दिन बद्रीनाथ धाम में गंगा की पवित्र धारा में स्नान करके वेदव्यास मुनि बैठे थे। मन चिंतित है, खिन्न है, और उसी समय वेदव्यास जी के गुरु भगवान के मनोअवतार श्री नारद मुनि वहां पर प्रकट हो गए। नारद मुनि को देखकर श्री वेदव्यास मुनि प्रणाम करने लगे। कई दिनों से रोगों से ग्रस्त कोई रोगी डॉक्टर को देखकर अपना हाथ डॉक्टर के हाथों में सौंप देता है, श्री वेदव्यास मुनि अपना हाथ नारद मुनि के चरणों में सौंप दिए। नारद जी ने पूछा, वेदव्यास जी आप कैसे हो, ठीक तो हो ना? वेदव्यास जी ने कहा, गुरुदेव मैं स्वयं नहीं जानता हूं कि मैं कैसा हूं। इस संसार में सुबह घर से निकलो, रास्ते में कोई मिले, आप पूछो हाउ आर यू, कैसे हो, फाइन, मजे में, केम छो, मजा में। प्रायः हम
रोज सुबह रास्ते में कोई मिलते हैं तो यह उत्तर देते हैं, कैसे हूं? मजे में। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ सुबह होते ही हम बोलने लगते हैं, कैसे हो? मजे में। हाउ आर यू? फाइन। बताइए हमारे जीवन में फाइन क्या है, कहां मजा है? परंतु बस यह एक आदत बन चुकी है। वास्तव में हम नहीं जानते हैं कि हम कैसे हैं। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले तो सनातन गोस्वामी ने सर्वप्रथम यही पूछा, के आमी केने आमार जार ताप त्रयी। हे प्रभु, प्रभु मैं नहीं जानता हूं मैं कैसा हूं, आप बताइए कि मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं? प्रभु मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, आप बताइए। ठीक उसी प्रकार आज नारद मुनि को श्री वेदव्यास जी कहने लगे, आप बताइए मैं कैसा हूं। वेदव्यास जी ने अपने जीवन की घटना बताई, कहने लगे, मैंने कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए अनेकों ग्रंथ लिपिबद्ध किए, वेदों का विस्तार किया, वेदों का व्यास किया, इसलिए तो नाम पड़ा वेदव्यास। परंतु गुरुदेव, कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए इतनी इतनी रचना करने के बाद भी आज मेरा मन स्वयं संतुष्ट नहीं है। जब यह ग्रंथ लिखने वाले का मन संतुष्ट नहीं है तो पढ़ने वाले का मन कैसे संतुष्ट हो सकता? प्रभु अब आप ही बताइए कि मेरी इस रचना में, मेरे इन ग्रंथों में क्या कमी है। वैसे वेदव्यास मुनि नारद जी के शिष्य थे, अवसर पाकर नारद मुनि ने वेदव्यास जी को डांटा, बोले मुनिवर क्योंकि आप पूछ रहे हो इसलिए कह रहा हूं, आपने अपनी रचना में आत्म तत्व परमात्म तत्व की बहुत बात की है, आपने अपनी रचनाओं में आत्म तत्व परमात्म तत्व के विषय में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सत्य कहूं जो लिखना चाहिए वह तो आपने लिखा ही नहीं। त्रिभुवन को पवित्र करने वाली भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति, भगवान श्री कृष्ण की कथा जो त्रिभुवन को पवित्र करती है, ऐसी कथा जिस ग्रंथ में न हो, भले फिर उस ग्रंथ में बहुत सुंदर व्याकरण हो, व्याकरण की दृष्टि से श्रेष्ठ हो, छंद अलंकार रूपक की दृष्टि से श्रेष्ठ हो, उसकी रचना बहुत श्रेष्ठ हो, लेकिन उस ग्रंथ में कृष्ण का गुणगान नहीं है तो बड़े बड़े महात्मा गण उसे कौवे का तीर्थ मानते हैं, यत वायसम तीर्थ है। महात्मा गण उसे पसंद नहीं करते हैं। और यदि किसी रचना में छंद की कमी है, अलंकार की कमी है, भाषा की कमी है, अनेकों प्रकार की त्रुटियां हैं, परंतु उस ग्रंथ में कृष्ण कथा का, कृष्ण की कीर्ति का वर्णन है तो बड़े बड़े परमहंस मुनिगण उसमें अवगाहन करते हैं। अतः हे वेदव्यास मुनि, आपकी रचनाओं में सबसे बड़ी कमी है कि आपने सब कुछ वर्णन किया लेकिन भगवान कृष्ण की कथा का वर्णन नहीं किया। और जब तक भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला रचित ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक आप भी सुखी नहीं हो सकते हो और कलयुग की जनता भी सुखी नहीं हो सकती है। नारद मुनि ने भागवत लिखने के लिए वेदव्यास जी को इंडिकेट कर दिया, भागवत की रचना करें। और आप यह जानना चाहते हो ना कि आपका मन चिंतित क्यों है, आपका मन बेचैन क्यों है? क्योंकि आपने अपनी इन रचनाओं में बहुत कपट किया है, क्योंकि आपने ये जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें लौकिक धर्म का वर्णन किया, और जहां लौकिक धर्म का वर्णन होता है वहां कपट और झूठ इत्यादि तो होता ही है।
लोक में हम देखते हैं, समाज में जब किसी का विवाह होता है तो विवाह के दिन दूल्हे का गीत गाया जाता है। अब आपके साउथ में तो पता नहीं, हमारे गुजरात में बहुत गाते हैं। जिस दिन विवाह होता है उस दिन दूल्हे का गीत, दूल्हे के नाम से गीत गाया जाता है। फिर दूल्हा कैसा भी क्यों न हो, दिखने में कितना भी कुरूप हो, कोयले जितना काला हो, सुबह मिल जाए तो दिन बिगड़ जाए, लेकिन शादी के दिन तो उसी का गीत गाया जाएगा। ये तो भाई जना लगन हो एना एना ज गीत गवाए ना, के पड़ोसी ना गवाए, चाहे कैसा भी हो। उस दिन दूल्हा अच्छा नहीं है फिर भी माताएं उन्हीं का गीत गाती हैं, वो कपट करके गीत गाती हैं, उसमें कपट भरा होता है क्योंकि दिखने में तो अच्छा नहीं। ठीक उसी प्रकार वेदव्यास मुनि, आपने शिव पुराण लिखा तो शिव जी के गीत गाए, गणेश पुराण लिखा तो गणेश जी के गीत गाए, देवी पुराण लिखा तो देवी के गीत गाए। शिव पुराण में आपने लिख दिया शिव जी ही भगवान है, शिव जी ही परमात्मा है, गणेश पुराण में लिखा गणेश जी ही भगवान है, गणेश जी ही परमात्मा है, देवी पुराण में लिखा देवी ही सब कुछ है, वही परमात्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में आपने कपट किया है। जिसकी शादी उनका गीत, जिसका ग्रंथ उसका गीत गाया आपने। और सत्य कहूं कलयुग में आपके इन ग्रंथों को लोग पढ़ेंगे और जब एकत्रित होंगे तो झगड़े के अलावा कुछ नहीं करेंगे। और उसी कलयुग के लोगों के झगड़े का दोष आज आपके मस्तक पर आया है, इसलिए आपका मन बेचैन है, आप चिंतित हो, आपके मन में अभाव लग रहा है। लेकिन अभी भी आपके पास समय है, आप अभी भी अपनी गलती को सुधार सकते हो। कोई व्यक्ति पत्र लिख रहा हो और पत्र लिखते हुए बहुत कुछ लिख दिया और फिर पता चला मैंने जो लिखा हो तो गलत है। यदि पत्र लिख रहा है तो लिखते लिखते अपनी गलती को सुधार सकता है। जैसे यदि कोई लिखे रमेश भाई बहुत बुरे हैं, रमेश भाई का आचरण बहुत बुरा है, रमेश जी के साथ कभी बात मत करना, रमेश जी के साथ कोई व्यवहार मत करना, ये सब कुछ लिखने के बाद अंत में यदि लिखा लिख दिया जाए नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, आगे जितना भी कुछ रमेश जी के लिए लिखा है वो अंतिम की एक लाइन वो सारी बातों को काट देती है। इसका अर्थ यह है कि उत्तर में अंत में लिखा गया वाक्य, अंत में लिखी गई वस्तु ही मुख्य मानी जाती है, मूल मानी जाती है। व्याकरण में भी नियम है, पूर्व पक्ष से उत्तर पक्ष बलवान होता है, उत्तर पक्ष में जो बात की जाती है वही मुख्य है, वही उस पूर्व पक्ष का सार होता है। इसलिए पूर्व पक्ष में वेदव्यास जी ने शिव पुराण, गणेश पुराण, ये 17 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे, लेकिन उत्तर पक्ष में अब वेदव्यास जी ने केवल अंतिम ग्रंथ लिखा और वो था श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत ही सभी ग्रंथों का सार वेदव्यास जी। नारद जी ने कहा था कि वेदव्यास जी मैं आपको क्या बताऊं, मेरा प्रथम जन्म ब्रह्मा जी के गोद से हुआ था। पिताजी ने कहा कि तुम विवाह करो, लेकिन मैंने ना कर दिया, पिताजी को क्रोध आया, तो दूसरा जन्म उनके श्राप से मैं उपबरहण नाम का देवता बना। उस देवता के शरीर में मैंने पुष्कर क्षेत्र में जाकर अपराध किया, ब्रह्मा जी ने पुनः मुझे श्राप दिया और तीसरा जन्म किसी शूद्र के घर पर हुआ। पिता का नाम द्रुमिल गोप और माँ का नाम कलावती। जन्म से ही पिता की मृत्यु हो गई और मेरी माँ कलावती दूसरों के घर पे काम करके, बर्तन मांझ कर, भोजन बनाकर हमारे जीवन का निर्वाह कर रही थी। भगवान की कृपा, चतुर्मास का समय था और उन दिनों साधुओं की मंडली हमारे गांव में आई और उन साधुओं की सेवा करने का अवसर मेरी माता को मिला। मेरी माँ उनके लिए भोजन बनाती थी, बर्तन मांजती थी और उस समय मैं उस साधुओं की मंडली में बैठता था
और साधु की मंडली में बैठकर क्या करना है, तुष्यंति च रमन्ति च। जब दो संत मिलते हैं तो भगवत कथा होती है ना। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले करे लातम लात। दो लोग जब मिलते हैं और ज्ञान की बात होती है, भागवत गीता रामायण की बात होती है, समझो ये दोनों भक्त हैं, ये दोनों ज्ञानी हैं। और कोई अन्य बात अन्य चर्चा होती है तो समझो ये गधे हैं, बैल हैं, चाहे 84 लाख के किसी भी कोई योनि के जीव हैं। दो भक्त जब आपस में मिलते हैं तब भगवान की चर्चा होती है। नारद मुनि कहते हैं कि मैं उन साधुओं की मंडली में बैठता था और प्रतिदिन उनके मुख से भगवत कथा सुनता था, कृष्ण कथा सुनता था। उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय, द्विजय उन ब्राह्मणों के मुख से, उन वैष्णव भक्तों के मुख से भगवत कथा सुनकर और उनका उच्चिष्ट खाकर मैं भक्त बन गया, भक्त बन गया। उस जन्म में तो मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन मुझे उस जन्म के बाद ऐसा शरीर प्राप्त हुआ, मैं नारद बन गया। जब चाहूं तब, जहां चाहूं वहां अव्याहत गति से मैं जा सकता हूं और निरंतर वीणा पर भगवान का नाम ले सकता हूं। ये मेरे जीवन का अनुभव वेदव्यास जी मैं आपको सुना रहा हूं। कृष्ण कथा की यह महिमा है। आप कृष्ण कथा रचित भागवत की रचना करें, इतना उपदेश देकर नारद मुनि चले गए। और नारद जी के जाने के बाद वेदव्यास जी उस बद्रिकाश्रम में सम्याप्राश नाम के आश्रम में रहते थे। आचमन करके आसन पर विराजमान होकर भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले, भक्ति योग के द्वारा वेदव्यास मुनि ने अपने मन को वश में कर लिया। और जैसे ही उस आसन पर बैठे हैं, आंखें बंद हैं, वेदव्यास जी को समाधि लग चुकी है। और उस समाधि में सर्वप्रथम अपश्यत पुरुषम पूर्णम, सबसे पहले वेदव्यास मुनि ने अपश्यत देखा, किसको? पूर्ण पुरुषम, भगवान कृष्ण को। जीव गोस्वामी कहते हैं पूर्ण पुरुष अर्थात राधा के साथ कृष्ण का दर्शन किया श्री वेदव्यास मुनि ने अपनी समाधि में। आंखें बंद हैं, समाधि में बैठे हैं, राधा कृष्ण का दर्शन किया। और भगवान का दर्शन करने के बाद मायाम च तदपाश्रयम, उस भगवान के आश्रय में रहने वाली महामाया का दर्शन किया। समाधि में बैठे हैं वेदव्यास मुनि और समाधि में बैठकर माया का दर्शन किया, किस प्रकार संसार की ये माया संसार के लोगों को तड़पा तड़पा कर मारती है। कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए, राज दंड येन येन नदी ते चुबाए। इस दुनिया की माया संसार के जीव को कभी स्वर्ग में लेकर जाती है तो कभी नरक में डुबाती है, रात दिन तड़पा तड़पा कर मारती है। एक ही झटके में मार दे तो लीला कथा समाप्त हो जाए, लेकिन तड़पा तड़पा कर रोज मारती है। चैतन्य महाप्रभु दृष्टांत देते हैं कैसे, जैसे पहले के राजा महाराजा अपराधी को दंड देने के लिए नदी में लेकर जाते थे, बीच नदी में उस अपराधी के बाल को पकड़कर उस पानी में डुबाते थे, छटपटाने लगता था, मुझे बाहर निकालो मर जाऊंगा चिल्लाता था। और जब अंतिम सांस बचती थी तब उस अपराधी को बाहर निकालते थे, थोड़ी सांस लेकर उसे सुख का अनुभव होता था, पुनः फिर से नदी में डुबाते थे। इस प्रकार बार बार उस नदी में डुबा डुबा कर उसे तड़पाते थे। ठीक उसी प्रकार माया दुनिया के लोगों को उस अपराधी की तरह तड़पा तड़पा कर मार रही है। रात दिन आदमी दुखी होता है और जब पूर्ण रूप से फ्रस्ट्रेट हो जाता है तब कुछ देर के लिए माया दुख देना बंद कर देती है।
और जितने समय के लिए है ये जगत की माया दुख देना बंद कर देती है उस समय को हम सुख मान बैठते हैं, दुख निवृत्ति की अवस्था को हम सुख मान बैठते हैं। हमारे जीवन में हम जिस चीज को सुख कह रहे हैं ना, वो सुख नहीं है, वो दुख निवृत्ति की अवस्था है। निरंतर दुख मिल रहा है, निरंतर कोई पीट रहा है और दो मिनट के लिए रुक गया तो वो दुख मिलना बंद हुआ, वो कोई सुख नहीं है, दुख मिलना बंद हुआ। जगत के लिए कृष्ण ने तो कहा ना भगवद गीता में, दुखालयम अशाश्वतम। जगत बनाने वाले ने कह दिया दुखालय, तो इसे सुखालय करने वाले हम कौन हो सकते हैं? फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम सुखी हैं, वह सुखी नहीं, वह दुख निवृत्ति की अवस्था है। वेदव्यास मुनि ने देखा कि माया दुनिया के जीव को तड़पा तड़पा कर मार रही है, और उसी समय समाधि में बैठकर वेदव्यास जी ने संसार के जीवों को माया से मुक्त करने का उपाय भी ढूंढ लिया। दुनिया का जीव मनुष्य माया से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता, और भक्ति का प्रथम अंग है श्रवण और कीर्तन। संसार का जीव जब तक भक्ति नहीं करेगा तब तक माया से मुक्त नहीं होगा, और भक्ति तब तक नहीं होगी जब तक भागवत कथा नहीं सुनेगा, और कथा तब तक आदमी नहीं सुनेगा जब तक भागवत की रचना नहीं होगी। तो यह सोचकर लोकस्य जानतो विद्वाम चक्रे सात्वत संहिताम, इस लोक का उद्धार करने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए वेदव्यास मुनि इस प्लेटफॉर्म पर आ गए कि अब मुझे भागवत की रचना करनी ही होगी। जीवों को माया से मुक्त कराने के लिए, सुखी बनाने के लिए, और मृत्यु के बाद भगवत धाम प्रदान करने के लिए भागवत की रचना करनी होगी। वेदव्यास जी समाधि में बैठकर भागवत को लिखने लगे। समाधि में बैठकर वेदव्यास मुनि भागवत की रचना करने लगे। 12 स्कंध, लगभग 375 अध्याय और 18,000 श्लोक वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध किए और भागवत प्रकट हो गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री वेदव्यास मुनि ने भागवत को प्रकट कर दिया। लेकिन याद रहे ये भागवत ग्रंथ वेदव्यास जी ने समाधि में बैठकर लिखा है, ये भागवत वेदव्यास मुनि के समाधि की भाषा है। इसका अर्थ ये है कि इस भागवत को यदि कोई ध्यान से सुनता है तो भागवत को ध्यान से सुनना ही समाधि है, क्योंकि ये समाधि में लिखा गया है। भागवत सुनना ही समाधि है। बताइए आप लोग यहां बैठे हो, सुन रहे हो, समाधि, इसी को समाधि कहते हैं? ऐसा नहीं समाधि में जो बैठता है दो सींग उग जाते हैं, यही समाधि है। सम्यक रूप से हमारा मन भगवान में लग जाना, इसी को समाधि कहते हैं। और यह भागवत एक ऐसा साधन है, कई बार हम देखते हैं कि पूजा करते हुए, आरती करते हुए, यहां तक हरिनाम जप करते हुए मन भगवान में नहीं लगता है, लेकिन भागवत सुनते हुए मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाता है। मुझे विश्वास है कि यहां पर जो लोग बैठे हैं लगभग सबका मन भागवत में लगा हुआ है, विश्वास है, क्योंकि भागवत में यह ताकत है। समाधि में बैठकर वेदव्यास मुनि ने लिखा है, इसलिए इसे जो पढ़ेगा उसे समाधि तो लगनी है, मन तो लगना है इसमें। तो वेदव्यास मुनि ने भागवत की रचना कर दी, लेकिन भागवत की रचना तो हो गई। कुछ लोग दुकान में जाते भी हैं, भागवत को खरीदते भी हैं, लेकिन लाल कपड़े में बांधकर मंदिर के ऊपर रख देते हैं। केवल भागवत ग्रंथ घर पर रख देने से हमारा उद्धार नहीं होगा। भागवत की रचना करने के बाद सुध गोस्वामी ऐलान करते हैं, यस्याम वै श्रूयमाणाना कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापर
शोक मोह व्यापार। भागवत की रचना हो गई, परंतु यस्याम वे श्रूयमाणानाम, भागवत उसी व्यक्ति का कल्याण कर सकता है जो भागवत को श्रूयमाणानाम, भागवत को सुनता है। और यदि कोई भागवत को सुन लेता है तो कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते, भागवत को सुनने से भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुष हैं उसमें भक्ति उत्पन्न हो जाती है। भागवत सुनना ही भक्ति है, ऐसा नहीं है कि भागवत सुन लेने के बाद हम लोग भक्ति शुरू करेंगे, नहीं। हाँ, गीता सुनने के बाद भक्ति शुरू होती है, क्योंकि गीता का अंत सर्वधर्मान परित्यज्य अर्जुन मन मुझ में लगा। लेकिन भागवत सुनने के बाद भक्ति करेंगे ये बात गलत है, क्योंकि भागवत सुनना ही ये भक्ति है। अभी हम सब लोग इस हॉल में बैठकर भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि भागवत में लिखा है यस्याम वे श्रूयमाणानाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते, भागवत सुनना ही भक्ति। तो भागवत सुनने से भक्ति होती है, और इतना ही नहीं, शोक मोह भय ये तीनों जीवन से दूर हो जाते हैं भागवत सुनने से। शोक मोह भयापहा, व्यक्ति जीवन के सारे शोक से, मोह से और भय से मुक्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का शोक मोह भय नहीं रहता। यह है भागवत। तो श्री वेदव्यास मुनि ने भागवत ग्रंथ लिखा, और यह भागवत लिखने के बाद वेदव्यास जी ने अपनी कलम रख दी। वेदव्यास जी के जीवन का अंतिम ग्रंथ है भागवत। भागवत लिखने के बाद वेदव्यास जी ने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। भागवत ही परिपूर्ण ग्रंथ था, सब कुछ वर्णन हो चुका। अखिल ब्रह्मांड नायक, संसार के स्रोत कृष्ण कथा का वर्णन, सिद्धांत का वर्णन हो गया। कलम रख दी, अंतिम ग्रंथ वेदव्यास जी का। परम सौभाग्य है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसा दिव्य पवित्र ग्रंथ आज हम सबको श्रवण करने मिल रहा है। प्रभुपाद की बहुत बड़ी अनुकंपा है। आइए, इस कृपा का हम सबको लाभ उठाना चाहिए। श्रीपाद शंकराचार्य इस संसार में जो नास्तिक थे, जो मायावादी थे, उनको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सिखा रहे थे, प्रचार कर रहे थे। गुरु जी की आज्ञा थी कि आप पूरे जगत में विचरण करो, दिग्विजय करो। बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, उनके साथ शास्त्रार्थ करो, उनको हराकर उनको भक्त बनाओ। एक दिन शंकराचार्य जी किसी विद्वान के साथ शास्त्रार्थ करने लगे, और शास्त्रार्थ करते हुए वह विद्वान हार गया। तब उस विद्वान की पत्नी आई, बोले आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। अब उस विद्वान की पत्नी और शंकराचार्य के बीच में शास्त्रार्थ होने लगा। तो शास्त्रार्थ करते 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 उस स्त्री ने कुछ काम शास्त्र के प्रश्न पूछ दिए, और शंकराचार्य तो बाल ब्रह्मचारी सन्यासी थे, परंतु गुरुजी की आज्ञा थी कि हारना मत, सबको परास्त करो और भक्ति का प्रचार करो। तो जब इस प्रकार काम शास्त्र के प्रश्न पूछे, शंकराचार्य बोल नहीं पाए, बोले मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। बोले ठीक है, कुछ दिन का समय ले लिया। शंकराचार्य ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा, देखो मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी हूँ, और उस स्त्री ने जो मुझे पूछा है मुझे कुछ पता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं एक लीला करने वाला हूँ। क्या करने वाले हैं आप? बोले मैं मेरे शरीर को त्याग रहा हूँ,
आप लोग मेरे शरीर को किसी तेल की नौका में रख देना, संभाल के रखना। बोले इस शरीर से निकलकर कहाँ जाओगे? शंकराचार्य जी ने कहा कि अभी अभी एक राजा की मृत्यु हो चुकी है, जवानी में ही राजा मर गया है और उनकी सारी पत्नियां विलाप कर रही हैं, तो मैं मेरे शरीर को छोड़कर राजा के शरीर में चला जाऊंगा और राजा के शरीर में रहकर मैं ये सारा ज्ञान ग्रहण कर लूंगा। और मुझे विश्वास है कि उस राजा के शरीर में रहकर उस शरीर का प्रभाव, रानियों के प्रभाव से मैं थोड़ा आसक्त हो जाऊंगा। तो उस समय यदि मैं राजा के शरीर में आसक्त हो गया तो आप लोग मेरे पास आना और मेरे पास आकर भज गोविंदम इस श्लोकों का उच्चारण करना, तो मैं आसक्ति से मुक्त हो जाऊंगा और फिर से उस शंकराचार्य के शरीर में वापस लौट जाऊंगा और फिर उस स्त्री को मैं शास्त्रार्थ करके हरा दूंगा। कितना बड़ा प्लान था। और यही हुआ भक्तों, शंकराचार्य जी ने अपना शरीर त्याग दिया और उस शरीर को तेल की नौका में रख दिया संभाल कर। वहां राजा की मृत्यु हुई थी, सभी रानियां रो रही थी, शंकराचार्य आत्मा के रूप में उस शरीर में प्रवेश कर गए और राजा खड़े हो गए, सारी पत्नियां आश्चर्य रह गई, सब लोग प्रसन्न हो गए और राजा के रूप में शंकराचार्य जी वहां पर रहने लगे, पत्नी बच्चों के साथ रहने लगे और रहते रहते उनमें आसक्त हो गए। ये संसार ही कुछ ऐसा है। वैसे इस संसार में कोई सुख नहीं है, लेकिन इसका कोई थोड़ा भी संग कर लेता है तो वह आसक्त बन जाता है। अन्य लोगों की बात दूर रही, देवराज इंद्र स्वर्ग का राजा, समस्त देवी देवताओं का अधिपति, देवराज इंद्र को श्राप लगा, किसी ने श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पे जाकर सुअर बन जाओ। देवराज इंद्र इस पृथ्वी पर सुअर बन गए। तो जैसे स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए, सुअर बने, तो स्वर्ग खाली हो गया। बहुत बड़ा प्रश्न उठा, अब स्वर्ग का राजा कौन रहेगा? जब स्वर्ग में अराजकता छा गई तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को कहा कि नारद जाओ, इंद्र के बिना ये स्वर्ग चलेगा नहीं, तुम इंद्र को लेकर आओ। नारद मुनि इस पृथ्वी पर आए, पहले तो ढूंढा ये इंद्र है कहां, तो किसी मैंगलोर की एक गली का सुअर बनकर पड़ा था। नारद मुनि आए, उस कीचड़ में, उस गंदगी में वह सुअर पड़ा था। नारद जी ने कहा, इंद्र मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। इंद्र ने कहा, देखो मैं थोड़ा बिजी हूं, बाद में आना। नारद जी ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हूं। जानते हो इंद्र ने क्या कहा? नारद जी, स्वर्ग में मुझे क्या ये मल मिलेगा, ये कीचड़ मिलेगा? नारद जी ने कहा, इस कीचड़ से भी बहुत अच्छी अच्छी वस्तु ये स्वर्ग में है। बोले, नहीं, ये कीचड़ मिलेगा? नारद जी ने कहा, ऐसा कीचड़ तो नहीं। बोले, तो मुझे स्वर्ग में नहीं आना है। इस संसार की माया इतनी मजबूत है, बड़े बड़े लोगों को फंसा देती है। बोले, मुझे यहां पर थोड़े कुछ दिन रहने दो। नारद जी, आप कुछ साल के बाद आओ। दो तीन साल के बाद फिर से नारद मुनि आए। बोले, अब तो चलो मेरे साथ। उस सुअर ने कहा, देखो अब तो मैं आ ही नहीं सकता क्योंकि मेरी शादी हो गई है। ये देखो सूरी मेरे बाजू में है और 7-8 बच्चे भी हैं हमारे। इन बच्चों को बड़ा करना है, स्कूल में पढ़ाना है, शादी वादी करनी है। आप चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। देवताओं का राजा इंद्र जब इस संसार के भोगों में फंस सकता है तो अन्य की बात ही क्या है। संसार के भोग बड़े तुच्छ हैं, लेकिन फिर भी लोगों की उसमें आसक्ति हो जाती है। श्रीपाद शंकराचार्य की ये लीला थी, राजा के शरीर में थे, आसक्त हो गए। तब शंकराचार्य के सारे शिष्य आए और शंकराचार्य की ही रचना थी, वे शिष्य गाने लगे। शंकराचार्य जी लिखते हैं, क्योंकि वे आसक्त हो गए थे, या संसार का कोई जीव यदि किसी में आसक्त हो जाता है, कहते हैं, आप जिस पुरुष में, जिस स्त्री में आसक्त हो चुके हो उसमें है क्या?
हम जिसको रूप मानते हैं, हम जिसको सुंदरता मानते हैं, वह सुंदरता इस दुनिया की गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। तत्व से यदि देखा जाए तो है क्या? नारी स्तन भर नाभिनिवेशम मिथ्या माया मोहावेशम। ये सब मिथ्या है, ये सब माया है। जिसे हम लोग सुंदरता कहते हैं उसमें मांस मज्जा हड्डी मल मूत्र बाल इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस इन गंदगी को ब्रह्मा जी ने किसी चमड़े में डाल दिया है, बस उसी को हम सुंदर मानते हैं, उसी का आलिंगन करते हैं, उसी का चुंबन करते रहते हैं। वास्तव में जिसे हम सुंदरता मानते वह सुंदरता नहीं। शिल प्रभुपाद एक दृष्टांत दिया करते थे। एक बार एक राजा अपने राज्य में घोड़े के ऊपर सवार होकर जा रहा था। एक घर के द्वार पर एक महिला खड़ी थी, बहुत सुंदर थी, सफेद वस्त्र पहना था, जवानी में ही विधवा हो चुकी थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे और स्त्री को कहने लगे कि तुम मेरे साथ विवाह करो। स्त्री तो पतिव्रता साध्वी नारी थी, वो किसी से विवाह करना नहीं चाहती थी, लेकिन राजा की आज्ञा थी, उसे ना कैसे कहें। राजा ने कहा मैं तुम्हारे रूप पर मोहित हो चुका हूं, तुम मेरे साथ विवाह करो। स्त्री ने कहा एक दिन मुझे दीजिए, कल आप मेरे पास आना और विवाह कीजिएगा। राजा दिन भर रात भर उस स्त्री के स्वप्न देखता रहा। दूसरे दिन राजा जब उस घर पर आया, दरवाजा खटखटाया, किसी बुढ़िया ने दरवाजा खोला। राजा ने कहा कल जब मैं यहां पर आया था और वह सुंदर स्त्री यहां पर खड़ी थी, वो कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। स्त्री ने कहा वो मैं ही हूं। बोले हो नहीं सकता, कल तो इतनी सुंदर दिख रही थी और तुम कहते हो वो मैं ही हूं, तो तुम्हारी सुंदरता कहां चली गई? बोले वो मैं ही हूं, तो बोले तुम्हारी सुंदरता एक दिन में कहां चली गई? वास्तव में उस स्त्री को तो विवाह करना नहीं था, उसे इच्छा नहीं थी कि राजा मेरा स्पर्श करे, इसलिए रात को इतनी दवाई खाई उसको उल्टी हो गई, तो जितनी भी वॉमिट हुई उसको एक पात्र में भर कर रखा, मल मूत्र को एक पात्र में भर कर रखा, सिर मुंडवा दिया, बाल को एक पात्र में रखा। और राजा जब बार बार पूछने लगा कि तुम्हारी सुंदरता कहां गई, सुंदरता कहां गई, वह स्त्री राजा को अंदर के कमरे में लेकर गई, मेरी सुंदरता को देखना चाहते हो ना, मेरी सुंदरता का स्पर्श करना चाहते हो, चूमना चाहते हो, आलिंगन करना चाहते हो, आओ दिखाती हूं। वही मल मूत्र है, बाल, वह वॉमिट, वह सब कुछ वहां पर पड़ा था, राजा को दिखाया ये है मेरी सुंदरता, मैं वही स्त्री हूं, मेरी सुंदरता निकल गई, ये है मेरी सुंदरता, आप चुमो इसको, आलिंगन करो इसका। राजा कांप गया। यही है इस संसार में जिसे हम सुंदरता कहते हैं, जिसे हम रूप कहते हैं, वह रूप नहीं है, वह माटी का विकार है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस बात को बारंबार अपने मन में विचार करो, मन से विचार रहिए बारंबार। अभी वर्तमान इस समय तो सबका मन शुद्ध हो गया होगा और सबको समझ में आ गया वास्तविक तत्व ज्ञान क्या है, लेकिन जैसे ही इस दरवाजे से बाहर जाएंगे, घर पर चले जाएंगे, ये सारा ज्ञान विस्मृत हो जाएगा। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि मन से विचार बारम बारम, इसे बार बार सुनो, बार बार सोचो, बारम बार एक चीज को बारम बार रटना चाहिए, तब जाकर वह दिमाग में फिट हो जाती है। तो बारम बार इस तत्व के ऊपर विचार करो। आगे शंकराचार्य जी कहते हैं कस्त्वम को हम कुत आयात, कामे जननी को मैं
तात। गाइए सब लोग, क्योंकि गाने की व्यवस्था है हमारे पास। कस्वम को हम कुत आयात, कामे जननी को में तात। इति परिभावय सर्वमसारम्। इति परिभावय सर्वमसारम्। विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम्। विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम्। भज गोविंदम् भज गोविंदम् गोविंदम् भज मूढ़मते। भज गोविंदम् भज गोविंदम् गोविंदम् भज मूढ़मते। जब इस प्रकार से तत्व का निरूपण किया जाए तो कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं कैसे त्याग सकता हूं मेरे बच्चों को, मेरे समाज को, ये सब मेरे अपने हैं, मैं उसे कैसे त्याग सकता हूं। तब शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर लिख दिया, कस्तम को हम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, जानते हो इस दुनिया में कौन तुम्हारा है, किसके तुम हो, आज तक कोई नहीं जान पाया। बहुत मुश्किल है ये जानना कि आखिर ये देह किसका है। जिस मां के गर्भ से जन्म होता है वो मां कहती है कि ये मेरा बेटा है। जिस हॉस्पिटल में जन्म होता है वो नर्स कहती है कि ये मेरा है, मैंने जन्म कराया। डॉक्टर कहता है कि ये मेरा पेशेंट है। पिता कहता है कि ये मेरा पुत्र है। भाई कहता है कि ये मेरा भाई है। बड़ा होता है, स्कूल में जाता है तो टीचर कहती है ये मेरा विद्यार्थी है। प्रिंसिपल कहता है ये मेरा स्टूडेंट है। ये सब लोग मेरा मेरा करते हैं। एक आदमी को कितने लोग मेरा मानते हैं। पढ़ लिख कर बड़ा बनता है, नौकरी करता है तो उस ऑफिस का मालिक कहता है कि मेरा एम्प्लॉई है, मेरा। तब तक तो शादी हो जाती है तो पत्नी कहती है कि ये मेरा पति है, मेरा पति, सिर्फ मेरा और किसी का नहीं है। तब तक तो बच्चे होते हैं, बच्चे कहते हैं ये मेरे पिता है। तब तक उनके सेवक, उनके नौकर कहते ये मेरा मालिक है। जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो सेक्रेटरी कहता है कि ये मेरा मेंबर है। जिस समाज में रहते हैं वो समाज वाले कहते हैं ये मेरे समाज का है। इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक दुनिया के सब लोग कहते हैं कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। तब तक तो शमशान के लकड़े बोल पड़े कि आप सब लोग मेरा मेरा कर लो, लेकिन आखिर ये मेरा होने वाला है। आखिर तो ये शमशान की राख बनने वाला है। तो यह देह आज तक किसी का नहीं हुआ। हम ऐसा समझते हैं, मानते हैं कि ये मेरा है, हमारा है, मैं उनका हूं, लेकिन ये शरीर किसी का नहीं। सत्य कहें
तो ये देह ये शरीर भगवान का है, ये इंद्रियों के स्वामी शरीर के स्वामी एकमात्र भगवान कृष्ण है। खामखा कुछ लोगों को अभिमान होता है कि ये मेरा बेटा है, उसे मेरी सेवा करनी चाहिए। ये बेटा देना न देना भगवान के हाथों में। हम देखते हैं ना, कुछ लोग बड़ी मेहनत करते हैं, मन्नत रखते हैं, लेकिन संतान नहीं होते, और कुछ लोगों की इच्छा नहीं होती तो दो पांच हो जाते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, ये भगवान के ऊपर डिपेंड है। संतान देने वाले भगवान है, ये इंद्रियों के स्वामी शरीर के स्वामी भगवान। इसलिए भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, ऋषिकेण ऋषिकेशम सेवनम भक्तिरुच्यते। भगवान ने यह इंद्रियां दी हैं तो इस इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए, यही हमारा मूल धर्म है। और वह सेवा कैसे करनी चाहिए तो आगे कहते हैं, गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूपम जस्त्रम। गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूपम जस्त्रम। नेयम सज्जन संगे चीतम नेयम सज्जन संगे चीतम देयम दीन जनाय च वीतम देयम दीन जनाय च वीतम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते शंकराचार्य जी कहते हैं, क्योंकि ये शरीर भगवान ने दिया है, ये शरीर के स्वामी भगवान हैं, इसलिए शरीर से भगवान की सेवा करनी चाहिए। कैसे? गेयम गीता नाम सहस्त्रम, गीता और भगवान को, गीता और भागवत को पढ़ना चाहिए। इस शरीर से गीता और भागवत को पढ़े, और श्रीपति लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का ध्यान करें। और इतना ही नहीं, इस शरीर से सज्जनों का साधु संतों का संग करे, और जीवन में यदि सुख हो, यदि भगवान की कृपा से धन संपत्ति हो, तो वह संपत्ति साधु और वैष्णव की सेवा में लगाए। तब किसी ने कहा कि यदि शरीर से बस भगवान की ही सेवा करते रहेंगे तो परिवार के लिए क्या करेंगे। तब शंकराचार्य जी कहते हैं, याव जीवो निवसति देहे कुशलम तावत प्रीच्छति गेहे। यावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत प्रेच्छति गेहे। ग
गतवती वायो देहा पाए भार्या विव्यति तस्मिन काये शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिसे हम रात दिन प्रेम करते हैं और जो लोग दुनिया के कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं लेकिन ये प्रेम कब तक है जब तक हम इस शरीर में हैं जिस दिन इस शरीर को छोड़ दिया जिस दिन मृत्यु हो गई तो वही प्रेम करने वाले हमको उठाकर शमशान में ले जाकर जला देंगे। यदि पत्नी बहुत प्रेम कर रही है पति के विरह में रो रही है और कहे कि ठीक है इतना प्रेम है इतना रोना आ रहा है तो इसे अपने घर पर रख लो उस लाश को तुरंत कहेंगे नहीं नहीं इसे लेकर जाओ ये तो भूत हो जाएगा। ये प्रेम तब तक है जब तक शरीर में आत्मा है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है शरीर से प्रेम समाप्त। इसलिए इस दुनिया में वास्तव में किसी का किसी से प्रेम नहीं है, किसी का किसी से प्रेम नहीं है। प्रेम हो सकता है तो एकमात्र भगवान कृष्ण से। लेकिन हम लोग कहते हैं सुखत क्रियते रामा भोग पश्चाद हन्त शरीरे रोग यद्यपि लोके मरणम शरणम यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मोचति पापाचरणम आचार्य जी कहते हैं दुनिया के लोग तब तक प्रेम करेंगे जब तक हम इस शरीर में है। अतः संसार की आसक्ति को छोड़कर हमें भगवत भजन में लग जाना चाहिए, भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों को सुनना चाहिए। वे कहते हैं कुरुते गंगा सारम गमनम व्रत परिपालन मत वादानम गंगा स्नान करे और व्रत ग्रहण करे। व्रत लेना चाहिए कि मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, व्रत लेना चाहिए मांसाहार नहीं करूंगा, अवैध संग नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, व्रत होना चाहिए। ज्ञान विहीन सर्वमयेतन ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन भागवत ग्रंथ को सुने बिना आप कितनी भी मेहनत करो एक नहीं सौ जन्म बीत जाएंगे फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। शंकराचार्य जी का ये वचन है। ज्ञान ग्रहण के बिना भागवत को सुने बिना कितना भी प्रयास करो सो सो जन्म तक मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि मुक्ति चाहिए भागवत सुनो। तो कुछ लोग कहेंगे आप कहते हो भागवत सुनो तो घर का काम कैसे करेंगे?
ऑफिस में कैसे जाएंगे, और ऑफिस में नहीं जाएंगे तो सुख कैसे मिलेगा। कहते हैं मोड जही नागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धि मनीषी वित्रोष्णा। यल्लभ से निज कर्मोपातम् यल्लभ से निज कर्मोपातम् वीतम तेन विनोदय चितम् तमते न विनोदयचितम्। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी कहते हैं मुड जही ही छोड़ दो, त्याग दो किसको, धनागम तृष्णा, ये पैसे कमाने की जो तृष्णा है उसे त्याग दो। तो कुछ लोग कहेंगे तो क्या पैसे न कमाया जाए, पैसे कमाओ, परंतु पैसे कमाने के लिए महा मेहनत, महा परिश्रम, महा टेंशन, महा चिंता, ये सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि भाग्य में जो लिखा है उतना ही मिलने वाला है। चाहे आप पैसे कमाते हुए चिंता करो या ना करो, तो जो लिखा है वही मिलेगा। तो जब भाग्य में जो लिखा है वही मिलने वाला है, तो अधिक चिंता करके क्या लाभ है, अधिक मेहनत, अधिक परिश्रम करके क्या लाभ। कर्म में लिखा है वो तो मिलना है, कर्म में लिखा है उसे, उसको बस प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी करें। अधिक मेहनत, महा मेहनत, हार्ड वर्किंग, महा परिश्रम, ये सब कुछ भगवान के लिए करें। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी बालकों को उपदेश देते हुए कहते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्य। हे मेरे प्रिय मित्रों, सुखी होने के लिए इतनी मेहनत मत करो, क्योंकि जैसे बिना मेहनत के जीवन में दुख मिलते हैं, वैसे ही बिना मेहनत के जीवन में सुख मिलेगा। इस दुनिया में किसी आदमी के मन में ऐसी इच्छा होती है कि मैं दुखी हो जाऊं? इस दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो दुखी होने के लिए मेहनत करता है? सुबह जगता है और सोचता है कि आज तो बस दुखी होकर घर पर लौटना है, दुखी होने के लिए 24 घंटा काम करूंगा। कोई नहीं चाहता है कि मैं दुखी हूं। बिना चाहे, बिना मेहनत किए जैसे जीवन में दुख आता है, वैसे ही बिना चाहे, बिना मेहनत किए सुख आएगा। तत्प्रयासो न कर्तव्य, इस सुख दुख के लिए अधिक प्रयास, अधिक मेहनत न करें। यह अधिक मेहनत भगवान की भक्ति के लिए करें, क्योंकि इस दुनिया में सुख दुख, मान अपमान, पति पत्नी, पुत्र धन संपत्ति, ये सब कुछ कर्म से मिलता है, ये सब कुछ भाग्य से मिलता है। परंतु भक्ति जो है, भक्ति भाग्य से नहीं मिलती, भक्ति प्रयास करने से मिलती है। कुछ लोग कहते हैं ना, आप तो बहुत भाग्यशाली हो, आपके नसीब में भक्ति लिखी है, हमारे नसीब में भक्ति लिखी नहीं। ऐसे कहने वाले या तो अज्ञानी हैं, या तो मूर्ख हैं, या तो आलसी हैं।
क्योंकि भक्ति नसीब की बात नहीं है, भक्ति कर्म की बात नहीं है। ये धन संपत्ति पुत्र परिजन गाड़ी बंगले ये सब कुछ नसीब से मिलता है, भक्ति तो प्रयास करने से मिलती है। जितना प्रयास करोगे उतनी भक्ति मिलेगी। इसलिए जीवन में यदि प्रयास करना है तो भक्ति के लिए करें, सत्संग के लिए करें। और अन्य चीज तो जीवन में जो लिखी हो तो मिलेगी। एक दिन एक महात्मा इसी प्रकार का प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन समाप्त होने के बाद एक आदमी खड़ा हुआ, बोले महात्मा जी आप कहते हो कि जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलता ही है, तो बताओ कल मेरे भाग्य में क्या भोजन करने को लिखा है, कल मेरे भाग्य में भोजन में क्या लिखा है, क्या मिलेगा मुझे। महात्मा जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में कल खीर खाना लिखा है। इस्कॉन की स्वीट राइस तो बड़ी प्रसिद्ध है, बोले तुम्हारे भाग्य में कल खीर खाना लिखा है। इस आदमी ने सोचा कि मैं कल कैसे भी करके खीर नहीं खाऊंगा। और फिर दूसरे दिन प्रवचन में आकर सबके सामने महात्मा जी को झूठा साबित कर दूंगा। इसके मन में था कि मैं बस इसको गलत साबित कर दूं। तो घर पर गया और रात भर सोचा कि ऐसा क्या करूं जिससे कल के दिन मुझे खीर खाने को न मिले। घर पर रहूंगा तो कोई खीर बनाएगा जबरदस्ती खिला सकता है, एक काम करूंगा मैं कल वन में चला जाऊंगा, जंगल में तो कोई मिलेगा नहीं। और पूरा दिन मैं ध्यान रखूंगा खीर नहीं खाऊंगा। दूसरे दिन सुबह वो वन में निकल गया और एक बहुत बड़े वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया और धीरे धीरे समय बीता। दोपहर का समय था, गाय बकरी का पालन करने वाले कुछ गोप वहां पर वहां से निकल रहे थे। बहुत सारी गाय थी, बकरी थी और कुछ गोप थे। कई दूर से चलते चलते आ रहे थे तो सबको भूख लगी थी और रास्ते में बात ही कर रहे थे कि भूख लगी है क्या करें। बोले चावल और शक्कर तो हमारे पास है, गाय को दोह लेते हैं, खीर बनाकर खाते हैं। चलते चलते प्लान बनाया और जिस वृक्ष पर ये बैठा था बोले इस वृक्ष के नीचे बहुत अच्छी छांव है, यहीं पर हम चूल्हा बनाते हैं और यहीं खीर पकाते हैं। उसी वृक्ष के नीचे चूल्हा बना, पात्र रखा, दूध डाला गया, शक्कर चावल डाले और खीर पकने लगी। ये ऊपर बैठा था देख रहा था नीचे, बोले खीर भले बन रही लेकिन मैं खाऊंगा तो नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अब खीर पकने लगी, बहुत सुंदर सुगंध आने लगी। उसी समय ही एक व्यक्ति दौड़ते हुए आया कुछ खबर लेकर कि बाजू के गांव में कुछ लुटेरे कुछ डाकू पूरे गांव को लूटकर इसी रास्ते से निकल रहे हैं, यदि जान बचानी है तो यहां से भागो। तो सब लोग अपने अपने गोधन को लेकर पशुओं को लेकर वहां से भागे। किसी ने कहा खीर, बोले हम लोग यदि जीवित रहेंगे तो खीर जीवन में हजारों बार खाएंगे, भागो यहां से। पात्र गर्म था, उसे तो कोई उठा नहीं सकता था, खीर वहीं पर छूट गई, ये सब लोग भाग गए। कुछ देर के बाद वे डाकू वे लुटेरे घोड़े के ऊपर सवार होकर, पूरी टीम थी, अनेकों डाकू थे घोड़े के ऊपर सवार होकर इसी रास्ते से निकल रहे थे और उतने में सबको खीर की सुगंध आने लगी। अपने घोड़े को रोक दिए, घोड़े से नीचे उतरे, डाकू के सरदार ने देखा बहुत सुंदर खीर पक रही है। सरदार ने कहा आज तो आनंद आ गया, गांव को भी लूट लिया और खाने के लिए खीर भी मिल गई। तब उस डाकू की टोली से एक आदमी बोला सरकार खीर खाना मत, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी की साजिश है, किसी को पता चल गया होगा कि हम गांव को लूटकर यहां से निकल रहे हैं तो हमको मारने के लिए किसी ने ये स्वादिष्ट खीर बनाई है और इस खीर में किसी ने जहर डाला है, खीर में किसी ने जहर डाला है यह सोचकर कि हम इसे खाएंगे और बिना मेहनत बिना युद्ध के ही हम सब लोग मारे जाएंगे। डाकू की सरदार ने कहा बात तो बिल्कुल पक्की है लेकिन ये काम किया किसने है, जिस किसी ने खीर में जहर डाला है वो यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे।
अब सब लोग ढूंढने लगे, यहां वहां इर्द गिर्द ढूंढने लगे। तब किसी की नजर पेड़ के ऊपर गई, यह आदमी बैठा था, बोले सरदार मिल गया, इसी पेड़ पर बैठा है। सरदार ने कहा नीचे उतरो, बोले मैं नीचे नहीं उतरूंगा। नीचे उतरो, दो तीन जन को ऊपर भेजा, उसे खींच कर घसीट कर नीचे लेकर आए। बोले तूने इसमें जहर डाला है ना? बोले मुझे पता भी नहीं है, मैंने जहर नहीं डाला है। बोले तो तुम खीर खा के दिखाओ, हम कंफर्म करना चाहते हैं कि तुमने जहर डाला होगा तो तुम मरोगे। बोले मैं खीर तो नहीं खाऊंगा। सरदार को कंफर्मेशन मिल गया कि ये ना बोल रहा है इसका अर्थ है कि इसने ही जहर डाला है। खीर में जहर भर कुछ नहीं था। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा बार बार कहने लगा। उस सरदार ने उस आदमी को हाथ और पैर रस्सी से बांध दिया, उस पेड़ से बांध दिया और न चाहते हुए भी 5 किलो खीर खिला दी, जबरदस्ती। दूसरे दिन दौड़कर वो आदमी गुरुजी के चरणों में गिर गया। गुरुजी आप जो कहते हैं ना बिल्कुल सत्य है, भाग्य में यदि लिखा है तो न चाहते हुए भी मिलता है, ये मेरा अनुभव हो गया, सत्य बात है। भाग्य में लिखा है वो तो मिलने वाला है, उसके लिए क्यों मेहनत करें? मेहनत तो इसके लिए करें जो भाग्य में नहीं लिखा है, और वो है भक्ति, जो प्रयास से मिलती है। प्रयास करना चाहिए भक्ति के लिए। इस संसार में लोग भक्ति के लिए प्रयास नहीं करते हैं, बस अपने कुटुंब में रचे पचे रहते हैं। ये कुटुंब की बात इसलिए बार बार कही जाती है क्योंकि शंकराचार्य भी वहां पर फंसे हुए थे, इसलिए उनके शिष्य गा रहे हैं कि क्यों आप अपने बच्चों में फंसे हुए हो। हमारे भारत का इतिहास आप जरा खोल कर देखिए, जिसके पास बहुत धन है उसको अपने पुत्र का ही भाई, दुनिया की 8वीं अजायबी 7वीं 8वीं हमारा भारत के आगरा का ताजमहल, ये ताजमहल बनाया था शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में। शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। औरंगजेब ने देखा कि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, अपने बाप के पैसे को धन संपत्ति को हड़पने के लिए औरंगजेब ने अपने पिता को ही कारागार में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। एक बेटे ने अपने बाप को कारागार में बंद, और कौन बाप? जिसने ताजमहल खड़ा किया, दुनिया की बहुत बड़ी अजायबी भी बनाई, जिसने उस ताजमहल के रचयिता औरंग शाहजहां को ही कारागार में बंद कर दिया, और कारागार में भोजन देना बंद कर दिया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 10 दिन तक भोजन नहीं दिया औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को, ऐसा इतिहास है। 11वें दिन औरंगजेब अपने पिता के पास कारागार में गया और कहा पिताजी बताओ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। उस समय औरंगजेब ने इतना ही कहा था कि आज मुझे बहुत अपने आप के ऊपर दुर्भाग्य लग रहा है कि मेरा जन्म मुसलमान परिवार में हुआ, आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है, आज मैं अपने आप को बहुत दुर्भाग्यशाली मान रहा हूं कि मेरा जन्म मुसलमान परिवार में हुआ और तेरे जैसा पुत्र मुझे मिला। धन्य है हिंदू समाज, धन्य है हिंदू परिवार, जहां पर पिता के मृत्यु के बाद भी उनके पुत्र उनको जल चढ़ाते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, भोजन कराते हैं और पानी पिलाते हैं। जहां मरने के बाद संतान अपने पिता को भोजन और पानी देते हैं, और यहां जीते जी मुझे तू बिना भोजन और पानी दिए मार रहा है। यह बात शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को कही थी, लेकिन उन दिनों। आज तो हिंदू समाज भी भ्रष्ट हो गया है, हिंदू समाज भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, जीते जी मार रहा है। शंकराचार्य जी ने कहा अपने पुत्र से ही अधिक भय होता है।
इसलिए सब कुछ छोड़ो छाड़ो और क्या करो। अंत में शंकराचार्य जी कहते हैं, काते कांता गस्ते पुत्र संसारो यम तीव विचित्र। त्रिजगति सज्जन संग, त्रिजगति सज्जन संगति रे का, भवति भवार्णव तरणे नौका, भवति भवार्णव तरणे नौका। बहुत सुंदर कहा, काते कांता काते पुत्र, कौन पत्नी कौन पुत्र कौन भाई कौन बहन कौन समाज कौन देश। अरे ये जगत बड़ा विचित्र है, ये संसार बड़ा विचित्र है, ये संसार गोल है, इसका कोई और छोर नहीं है। इसलिए ये सब कुछ छोड़ो, ये सब कुछ आसक्ति को त्यागो और सत्संग करो, साधुओं की संगति करो और साधुओं की संगति में बैठकर भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, ये संसार सागर के समान है और सत्संग नौका के समान है। इस भवसागर में हम लोग डूब रहे हैं और सत्संग रूपी नौका में बैठकर इस भवसागर को पार कर। भजे गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, त्रिजगति सज्जन संगति रेखा। इस संसार में सज्जनों की साधु संतों की संगति करो, सत्संग से ही हमारा जीवन उन्नत उज्जवल हो सकता है। इसलिए तो सभी शास्त्र एक स्वर से कहते हैं, साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र थोड़ा भी यदि साधु संग हो जाए ना, सत्संग हो जाए ना, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। परम सौभाग्य है श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें यह दिव्य सत्संग प्राप्त हुआ है और ऐसे दिव्य सत्संग में बैठकर भगवत कथा सुनने का अवसर मिला है। आज गजेंद्र चरित्र को हम सबको सुनना है। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी मन्वंतर की कथा का वर्णन करते हैं। भागवत में 10 तत्व का वर्णन हुआ, जैसे भगवत गीता में 5 विषय वस्तु का वर्णन है, ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म, उसी प्रकार भागवत में 10 तत्व का वर्णन है, अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्ति और आश्रय। उन 10 तत्वों में एक तत्व है मन्वंतर। ये मन्वंतर जो है ये काल की अवधि है, समय की अवधि है। जैसे 1 सेकेंड 60 बार हो जाती है तब 1 मिनट होता है, ऐसी 1 मिनट जब 60 मिनट होती है तब 1 घंटा होता है,
जब ऐसे 12 घंटे होते हैं तब एक दिन और 12 घंटे की रात, जब 24 घंटे बीतते हैं तब एक दिन समाप्त होता है, ऐसे 30 दिन बीतते हैं तो एक महीना, ऐसे 12 महीने बीतते हैं तो एक साल। अब आगे सुनिए, ऐसे 4,32,000 वर्ष जब बीतते हैं तब कलयुग की अवधि समाप्त होती है। अभी कलयुग चल रहा है, ये कलयुग के 5,500 वर्ष बीत चुके हैं, प्रारंभ में ही यह हालत है। 4,32,000 वर्ष कलयुग, और कलयुग से 2 गुना द्वापर युग जिसमें 8,64,000 वर्ष, कलयुग से 3 गुना त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, और कलयुग से 4 गुना सतयुग। इस प्रकार